दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी में इंडिया बी के खिलाफ ईशान किशन ने मचाया मैच पर तांडव। बड़े से बड़े गेंदबाजों की कुटाई कर रच दिया नया कीर्तिमान और अपने आलोचकों को दिया करारा जवाब, जिसे देखकर भारतीय दिग्गज भी खुशी से झूम उठे। और अब तो इस खिलाड़ी की तारीफों में कसीदे पड़ते हुए उन्होंने बीसीसीआई से ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी की मांग भी रखती है। तो आखिर सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग, यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ने किशन की तूफानी बल्लेबाजी पर क्या कुछ कहा। इन सभी भारतीय दिग्गजों के बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और ईशान किशन में कौन है सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो हर किसी को पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी ब्रेक लगा हुआ है। कुछ दिन बाद बांग्लादेश सीरीज शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले भारतीय क्रिकेटर घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जिसमें दिलीप ट्रॉफी खेली जा रही है। इस टूर्नामेंट में कई इंडिया के बड़े बड़े सितारे भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। किशन पहले अचानक दिलीप ट्रॉफी के पहले राउंड से चोट की वजह से बाहर हो गए, इसके बाद आज अचानक भारत सी के खिलाफ खेलते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, ईशान किशन ने आते ही बल्ले से तबाही मचा दी और भारत बी को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। ईशान किशन ने खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए गेंदबाजों की जमकर कुटाई की और कुछ ही देर में तांडव मचाकर शतक ठोक दिया। किशन के लिए ये शतक काफी खास है, क्योंकि पूरे 2 साल के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके बल्ले से शतकीय पारी देखने को मिली है। ईशान लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, वहीं उनका आईपीएल सीजन भी कुछ खास नहीं गया था। उनके शानदार प्रदर्शन के बाद उनकी भारतीय टीम में वापसी हो सकती है, लेकिन इसके लिए उनको लगातार स्कोर करते रहना होगा। मगर जिस तरह से आज उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में प्रदर्शन दिखाकर अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया, वो देखकर काफी अच्छा लगा, जिससे भारत के बड़े बड़े दिग्गज भी ईशान किशन की बल्लेबाजी के दीवाने हो गए। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग, यहां तक कि महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह भी अब ईशान किशन के सपोर्ट में उतर आए हैं और बीसीसीआई से मांग करते हुए ईशान किशन को बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी करने तक की बात कही है। और उन्होंने बयान देते हुए कहा है, जो कहा है वो हर किसी का दिल जीत लिया है। तो चलिए, अब हम आपको इन सभी दिग्गजों के बयानों को सुनाते हैं क्या कुछ ईशान किशन के लिए कहा है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने ईशान किशन की तूफानी बल्लेबाजी देखकर बयान देते हुए कहा है कि वाह, एक बार फिर किशन ने मेरा दिल जीत लिया। मैं इस खिलाड़ी की जितनी भी तारीफ करूं कम है, मैं खुद किशन की बल्लेबाजी का दीवाना हूं। आज जिस तरह से उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। एक बार फिर बीसीसीआई को जरूर ईशान किशन के प्रदर्शन पर नजर डालना चाहिए। गलती हमेशा किसी न किसी से हो जाती है, लेकिन उसे नजरअंदाज एक समय बाद कर देना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि बीसीसीआई जरूर ईशान किशन को टीम में वापस ले आए, वो जरूर टीम के लिए रन बनेंगे और भारत को जीत दिलाएंगे। वहीं महेंद्र सिंह धोनी भी ईशान किशन के सपोर्ट में बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ईशान किशन को जरूर भारतीय टीम में वापस आना चाहिए, बीसीसीआई चाहे तो टीम में जगह दे सकती है, क्योंकि वो इस वक्त शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, वो जरूर टीम इंडिया के लिए रन बना सकते हैं। हाँ, उन्होंने गलती करी, लेकिन उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। हमने किशन जैसा बल्लेबाज नहीं देखा, उन्होंने हर कदम पर अपने आप को प्रूव कर दिखाया है। जब जब मौका मिला है तब तब उन्होंने रन बनाए हैं। साथ ही साथ विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी ईशान किशन को लेकर कहा है कि ईशान ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और बीसीसीआई की बात को माना, और डोमेस्टिक क्रिकेट खेल इतनी बड़ी बात है, मुझे लगता है जल्द से जल्द ईशान किशन को टीम में मौका मिलना चाहिए, वो ज़रूर टीम इंडिया को मैच में जीत दिला सकते हैं। वो टीम के सबसे खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ईशान के अंदर मुझे वो क्षमता नजर आती है जो एक बड़े खिलाड़ी में होनी चाहिए। उन्होंने हमेशा अपने आप को प्रूव किया है, भारत के लिए रन बनाए हैं। साथ ही साथ सिक्सर किंग युवराज सिंह ने भी ईशान किशन के सपोर्ट में कहा कि जिस तरह से ईशान किशन ने बल्लेबाजी का नजारा दिखाया वो देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हूं। बड़े बड़े दिग्गजों की और गेंदबाजों की धुनाई की, ईशान किशन को जरूर भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। बीसीसीआई को जरूर एक बार ध्यान देना चाहिए और ईशान किशन को माफ कर टीम में वापस लाना चाहिए, जरूर भारतीय टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से ये भारतीय दिग्गज भी ईशान किशन के सपोर्ट में उतर आए और बीसीसीआई से टीम में शामिल करने के लिए मांग करने लगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, ईशान किशन को भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, बांग्लादेश को खदेड़ने के लिए दिल्ली के मैदान पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रख दिए अपने कदम। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह की करवा दी है वापसी। तो आखिर दूसरे टी20 में किन 11 फूके शेरों के साथ
चुके हैं भारतीय कप्तान सूर्य। क्या है बांग्लादेश की प्लेइंग 11 टीम, कहां देख सकते हो आप ये महामुकाबला, वो भी लाइव। साथ ही पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और इस मुकाबले से जुड़ी हर एक लाइव अपडेट, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम दूसरा टी20 मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश दो चिर प्रतिद्वंदी टीमें हैं, और जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो मुकाबला अपने आप बेहद ही दिलचस्प बन जाता है। बांग्लादेश मजबूत टीम है, लेकिन पहले टी20 मुकाबले में तो उनकी टीम इंडिया के सामने एक न चली, जहां सूर्य की पलटन ने किसी मच्छर की तरह बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को मसल कर रख दिया और 1-0 से टी20 सीरीज में बढ़त बना ली। लेकिन अब ये कार्रवाई इतने में ही रुकने वाला नहीं है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टी20 का बिगुल बज चुका है। यहां बांग्लादेश टीम के कप्तान नजमुल हुसैन संतो कभी नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश की टीम को वो हराएं, और इसीलिए उन्होंने सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम को हराने के लिए पूरा प्रबंध भी कर लिया है। वहीं हम आपको बता दें कि बांग्लादेश और भारत के बीच ये मुकाबला आप सभी को लाइव दिल्ली के मैदान पर खेला जाता हुआ नजर आ रहा है, जहां आप सभी इस मुकाबले में एक तरफ सूर्य कुमार यादव को कप्तानी करते हुए देख रहे हो तो दूसरी तरफ नजमुल हुसैन संतो अपनी टीम को संभाल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए मैच के बारे में, तो दोस्तों हम आपको बताते चलते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये रोमांचक मुकाबला लाइव अगर आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप सभी इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हो। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो जियो सिनेमा के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां बिल्कुल मुफ्त में इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। इस रोमांचक मुकाबले में सूर्य कुमार यादव बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि टॉस जीतकर भी वो मुकाबला हारें, इसलिए वो पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला ही चुने हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि एक तरफ सूर्य कुमार यादव पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ करेंगे, जहां उन्होंने टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बदल दिया है, और तीसरे और चौथे नंबर के खिलाड़ियों को भी बदलकर हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां दोस्तों, आइए आपको पूरी 11 टीम बताते हुए चलते हैं जो भारत की खेलती हुई नजर आएगी। दरअसल दोस्तों, यहां बांग्लादेश की तरफ से जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है उसमें लिटन दास और तंजीद हसन, दो बेहद खतरनाक ओपनर, उनकी तरफ से मैदान में उतरेंगे। तो मध्यक्रम में कप्तान नजमुल हुसैन संतो, शाकिब अल हसन, सौम्य सरकार और रोहित रिदोई के कंधों पर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने की बड़ी जिम्मेदारी है। ऑलराउंड डिपार्टमेंट का जिक्र करें तो महमदुल्ला, रिशाद हुसैन और मेहंदी हसन मिराज उनके सबसे बड़े हथियार हैं। तो तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। वहीं अगर बात की भारतीय टीम के बारे में, तो दोस्तों टीम इंडिया में कप्तानी तो सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, तो वहीं उनके साथ अब पारी की शुरुआत बतौर टॉप ऑर्डर पर करने के लिए यशस्वी जायसवाल उतरे हैं। तो वहीं दोस्तों फिर मध्यक्रम में तीसरे नंबर पर संजू सैमसन को खिलाया जा रहा है, चौथे पायदान पर ऋषभ पंत, पांचवीं पोजीशन पर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर रियान पराग, तो वहीं नंबर 7 और 8वीं पोजीशन पर रिंकू सिंह और अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। वहीं अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में हर्षदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों यही है भारत की प्लेइंग 11 टीम, और दोस्तों अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सूर्य कुमार यादव अपनी टीम को आखिरकार कैसे मुकाबला जितवा पाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम मजबूत टीम है और वो टी20 में अच्छे से अच्छे टीमों को हराना बखूबी जानते हैं। और सूर्य कुमार यादव का फोकस बस इसी बात पर होगा कि अब टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे महान दिग्गज खिलाड़ी मौजूद नहीं है, जिसके चलते भारतीय टीम को कोई मदद तो मिलेगी नहीं, उल्टा युवा खिलाड़ियों को ही अपने अनुभव से ये मुकाबला जिताना होगा। लेकिन दोस्तों भारत के लिए कुछ भी कठिन तो होने वाला नहीं है, ये हम सभी को पता है, और पिच भी हमारी कंडीशन के हिसाब से रहेगी, तो टीम इंडिया की जीत तो लगभग पक्की है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है, भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम बाजी मारेगी दूसरी टी20 जीतकर? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया, और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें ही पार हो गई, जहां अंतिम गेंद तक यह पता लगा पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी, जहां बांग्लादेश के 246 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टी20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसपे कौन बाजी मार पाया, क्या रिंकू और सूर्या मिलकर टीम इंडिया को जीत दिला पाए, इन सभी के सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। यहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना, और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिल जाए। लेकिन दोस्तों यहां पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को जसप्रीत बुमराह ने दिया, जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो, जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले ही लिटन को 7वें ओवर की
दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब ये दो बड़े छटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत को चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रनों की साझेदारी कर डाली। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था, तभी कप्तान